यहाँ पे हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हमने देखा था इंडिया सिचुएटेड की तरफ है, तुमने देखा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम अगर बाइफर्केट करते हैं अर्थ को, तो हमारा जो है अर्थ किस पोर्शन प्रेजेंट है हमारा इंडिया, वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो जो है हमारा अर्थ जो है इक्वेटर से ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक सॉरी अर्थ की बात करें हम सॉरी इंडिया जो है इक्वेटर से ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो दो हिस्सों में विभाजित करता है इंडिया को, जिसके कारण से आधा हिस्सा हमारा फ्रिजिड होना चाहिए, जहाँ पर एकदम डेंस एकदम बहुत गहम ज़्यादा जितना एक्सट्रीम लेवल पर ठंडक हो सकती है वो होनी चाहिए था कि वो पूरा बर्फबारी होती, और जो है आधा जो एरिया था उसमें क्या है गर्मी होनी चाहिए। अगर रीजन के हिसाब से बात करें, जिस रीजन में हम सिचुएटेड हैं वहाँ पे अमूमन ऐसा ही क्लाइमेट पाया जाता है, बट उसके बावजूद भी हमारे जो क्या कहते हैं इंडिया में सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कि मतलब गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है, बारिश भी होती है, पतझड़ भी आता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कई सारे जो फिजिकल फीचर्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हिमालयन रेंजेस की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, डेजर्ट एरियाज की बात करें, कोस्टल लाइन की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं कारण बने हैं जिसके वजह से हमारे देश में एक सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट हम देख पाते हैं। इसके कारण से ही एग्रीकल्चर हो पाता है, प्रोडक्शन हो पाता है फूड क्रॉप्स का, जिसके कारण ही हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद हम सस्टेन कर पाते हैं। नहीं तो हम अगर ऐसा होता कि हाफ ऑफ द एरिया इज कवर्ड विथ आइस एंड हाफ ऑफ द एरिया इज इन द टेम्परेट जोन, देन देर इज अ प्रॉब्लम एंड स्कैरिटी ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाती है अगर इस तरह का क्लाइमेट होता जिस रीजन में हम पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए भगवान को भी, या फिर थैंकफुल होना चाहिए उन कंडीशंस के जिसके वजह से ये फिजिकल फीचर्स हमारे देश में हैं, जिसके वजह से हमें फ़ायदा मिल पा रहा है कि हम ज़्यादातर एरिया में कल्टीवेशन कर पाते हैं और हमें फूड की स्कैरिटी देखने को मिलती नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो ये मैप बना हुआ है इसका सोर्सफुली हेल्प हमें किया है आर्यन सिंह ने, थैंक यू। और चलिए इसी के लिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, हमारे जो भारत देश में है हर एक चीज़ हम पाए हुए, ठीक है, हर एक चीज़। अगर एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी देखनी है तो वो भी हम देख सकते हैं, ठंडी देखनी है तो हम कश्मीर जाके वो भी देख सकते हैं। तो हर एक तरह का मौसम भी हमें मिला हुआ है, हर एक तरह के क्या है फिजिकल फीचर्स भी मिले हैं, चाहे हम माउंटेन की बात करें, चाहे प्लेट्यूज की बात करें, चाहे हम बात करें कहते हैं प्लेन्स की, चाहे हम डेजर्ट की बात करें, चाहे आइलैंड्स की बात करें, सब कुछ है। आइलैंड में जैसे क्या है अंडमान निकोबार इस साइड इस पोर्शन में पाया जाता है आपके, और दूसरा क्या है लक्षद्वीप आइलैंड्स वो है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन सबसे बड़ा प्लेन है, उसमें आपको यंग भांगर यंग जो फर्टाइल सॉयल है जो कि नदियों की वजह से आती हैं आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हम माउंटेन्स की बात करें, हिमालयन माउंटेन्स जो कि पूरा कश्मीर कवर अप करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है, उसको भी देखा है। तो कई सारे चीज़ें हैं, कई दिक्कतें, जैसे कि इन्हीं फिजिकल फीचर्स के वजह से ही, इन्हीं फिजिकल फीचर्स के कारण ही आजकल हम बहुत सारी आपदाओं से बचते हैं। जैसे यमुना रिवर जो है जो कि यहाँ पे पैरेलल जो बहती है जिसके हमारे माउंटेन के, जिसके कारण वो इंडिया में एंटर यहाँ से कहीं से करती है, अगर वो एंटर यहाँ से करे तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द रीजन बाढ़ प्रभावित एरिया है, ज़्यादातर रीजन में बाढ़ आती रहे, जैसे कि आजकल आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आती रहती है, वैसे क्या है हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्दर्न इंडिया में ही बाढ़ आती रहती, प्रॉब्लम्स होती, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो यंग फोल माउंटेन हिमालयाज ने उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कई सारे फायदे हमें मिले हैं इन फिजिकल फीचर्स से। तो सीधी सी बात है, जिन चीज़ों जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उसमें स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्या क्या खासियत है, 2GB रैम है, 32GB स्पेस है, मोबाइल के फीचर्स की हम बात कर रहे हैं आप पढ़ते हो, जिससे आपको पता चल जाए कितने इफिशियंटली उसमें काम हो सकता है, कितने आसानी से स्मूथली वर्क हो सकता है, कितना तेज़ी से मोबाइल चलेगा। वैसे ही जो फीचर्स हमें मदद कर रहे हैं, हमारे देश को मदद कर रहे हैं, जिसके कारण हम आज सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट
ट्रेंड हम पूरे इंडिया में देखते हैं। आज जो है क्या चल रहा है, विंटर एक स्टार्टिंग चल रही है, इसी कारण से जो है वीट क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, गेहूं बोया जा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से हमें फार्मिंग हो पा रही है और कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, हम बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज से बच पा रहे हैं। किसके वजह से? इन्हीं फिजिकल फीचर्स की मदद से। तो इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि फिजिकल फीचर्स बने कैसे हैं और कहां कहां पे सिचुएटेड हैं, इनसे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, वही चीज़ पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर को हम दो वीडियोज में कवर अप करेंगे, इवन तो आपको दो लेक्चर्स में, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको दो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो एक लेक्चर के बाद जितना भी चीज पोर्शन हम कवर अप करें तो प्लीज उसे रीड आउट करिएगा, नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा। और जो सेकेंड पोर्शन हम कवर अप करेंगे तो जितना भी बच जाएगा उसे आप नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा। इससे ये दो पोर्शन में करने का एक दो कारण है, अगर हम लगातार आपको दो घंटे पूरा कंप्लीट पोर्शन कर देते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती, उसके साथ साथ आप पढ़ते भी तो आप बहुत बोरिंग सा हो जाता है। इस वजह से जब रीड करके आओगे तो डाउट्स भी रहेंगे, तो उसका पूछने का एक्साइटमेंट रहेगा और साथ ही साथ क्या है, अब आधा पोर्शन बचा रहेगा पढ़ने को, वो भी पढ़ने का एक्साइटमेंट रहेगा, क्लियर। तो इस कारण से इसको दो हाल्फ में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो आवर कंट्री हैज़ अ प्रैक्टिकली मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ज़्यादातर जो फिजिकल फीचर्स हमारे कंट्रीज में पाई जाती हैं, जैसे क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड। माउंटेन्स की बात करें हिमालयन रेंजेस, प्लेट्यूज की बात करें इधर सदर्न प्लेन्स में कई सारे प्लेट्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेजर्ट्स की बात करें तो आपको द ग्रेट सहारा डेजर्ट आपको भूलना नहीं चाहिए, वो तो आपको याद ही है, ठीक है, तो राजस्थान में। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, प्लेन्स की, नदन प्लेन्स की, तो कोई वही नहीं है, नदन प्लेन्स में आप खुद ही रहते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर प्लेन एरियाज के बारे में, आइलैंड्स में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि इन सभी फीचर्स के बारे में आप अच्छे से जानते ही हैं, क्लियर। चलिए, तो वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब ये फिजिकल फीचर्स बने कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है, फिजिकल फीचर्स कैसे बने, कैसे यहाँ आए, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे जो अर्थ में पूरे में अलग अलग तरह के रॉक्स, प्लीज क्लोज द बुक, आपको रीड करने का मौका देंगे। तो जो हमारे फिजिकल फीचर्स बने कैसे हैं, तो बनने का कारण क्या है, सीधी सी बात है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, जिसके लिए अलग अलग टाइप ऑफ रॉक्स पाई जाती है, ठीक है। तो उन सभी रॉक्स का जो है अलग अलग क्या है, चाहे वो हम बात करें फर्टिलिटी की बात करें, प्रेजेंस ऑफ उसमें कंपोजिशन प्रेजेंट है उसकी बात करें, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स पाते हैं। रॉक आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, ठीक है। अब इसे ऐसे बहुत सारे हार्ड रॉक जैसे मार्बल की बात करें, जिनका इस्तेमाल आप क्या किया गया है, एक मॉन्यूमेंट, फेमस मॉन्यूमेंट बनाने में, आपका ताजमहल बनाने में उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कितने सालों से, शाहजहां के टाइम से वो ताजमहल बना हुआ है, आज भी उसे कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन के कारण कहीं ना कहीं वो मार्बल या फिर वो पत्थर खराब हो रहा, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जो पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो स्टेबल है, इसका कारण क्या है, उसके वो जो रॉक्स हैं, वो जो पत्थर है वो मजबूत है ना, इस कारण से आज तक स्टेबल है, ठीक है। आज आप देख पा रहे हैं, उसे देखने जाते हैं लोग, घूमने जाते हैं, टूरिज्म का बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुका है भारत का, ठीक है, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी वो आता है, क्लियर, जिसके कारण लोग वहाँ घूमने भी आते हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम भी भारत को होता है पैसों के रूप में। तो वो किस कारण से, क्योंकि वो रॉक मजबूत है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी रॉक्स पाई जाती हैं जो कि बहुत मुलायम होती है, टैल्कम पाउडर, ठीक है, इन तरह जो कि बहुत कमज़ोर होती हैं, इवन आप चूना जो सुने होंगे, चूना आप सुने नहीं सब जी, तो वो कितना आसानी से आप पानी में रख दीजिए, थोड़ी देर में जाके वो मेल्ट हो जाता है, पीसेस में, टुकड़ों में टूट जाता है, तोड़ना चाहे तो आप टूट सकता है बहुत आसानी से, या फिर उसका पेस्ट आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो रॉक जो है कई प्रकार, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक को क्लासीफाई कर सको, ठीक है, कि रॉक्स मजबूत भी होती हैं और कमज़ोर भी होती हैं, ठीक है, एक ही तरह की रॉक्स नहीं पाई जाती, क्लियर। फिर कलर्स ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब आपको सॉइल कहाँ से मिले, सॉइल कहाँ से मिले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे किसी भी रीजन के सॉइल की बात करें, वो सॉइल कहाँ से आए हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं,
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, उनके कलर डिफरेंट होंगे, ठीक है, उनके पास जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा, फिर किस कारण से, वेदरिंग के कारण, इरोजन के कारण, कहीं ना कहीं वो ब्रेकडाउन होते छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वही पार्टिकल्स और ज़्यादा छोटे छोटे होते जाते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, वो कौन सा बन पाता है आपका, सॉइल, ठीक है। तो अब उनका कलर कंपोजिशन हम बात करें, या फिर हम बात करें उनका, कहते हैं कलर की बात, पहली चीज बात करें, दूसरा चीज क्या है कि उनके वो फर्टाइल होंगे कि इनफर्टाइल होंगे, ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, जो उनके पेरेंटल रॉक है, पेरेंटल रॉक उनसे कहते हैं जिनके द्वारा सॉइल्स बने हुए, ठीक है, जो पेरेंटल रॉक की जो भी क्लासिफिकेशन रहेगी, जो भी कंपोजिशन रहेगा, वही कंपोजिशन किसके अंदर पाया जाएगा, सॉइल के, ठीक है। मतलब जिस तरह का नेचर इसका रहेगा पेरेंटल रॉक का, जिस रॉक से सॉयल बना हुआ है उसी तरह का सॉयल भी होगा, मींस उनका कलर भी डिफरेंट होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रॉक्स का कलर क्या है, क्लियर, रॉक का कंपोजिशन क्या है, उसी हिसाब से इसका भी कंपोजिशन, सॉयल का कंपोजिशन निर्धारित होगा, क्लियर, समझ में आया, यस। चलिए फिर causes of variation, most of these variation are caused due to difference in the rocks formation. अब ये आपके मन में ये सवाल आएगा, सर रॉक्स के कलर डिफरेंट क्यों होते हैं, ठीक है, रॉक का कंपोजिशन डिफरेंट क्यों होता है, इसका कारण है कि वो रॉक बने कैसे, ठीक है, जिस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ है उसी तरह का उनका डिफरेंट कंपोजिशन होगा, फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसी हिसाब से उनका कंपोजिशन डिफरेंट होगा, अलग होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत है आप लोगों को, गॉट इट। चलिए फिर इंडिया लार्ज मास फॉर्म ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच हैज इन्फ्लुएंस हर रिलीफ्स, क्या है कि देखिए आपने स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है पहले एक सिर्फ एक लैंड मास हुआ करता था, ठीक है, स्टार्टिंग एज में, फिर पहले वो दो बड़े बड़े हिस्सों में टूटा क्योंकि प्लेट्स के मूवमेंट के कारण, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कई हिस्सों में, जो कि आप कई सारे कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट आप देखते रहते हैं, वो कैसे धीरे धीरे प्लेट्स के टकराने के कारण धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट दूर होते हैं एक दूसरे से चले गए, क्लियर। तो अब ये अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में यहाँ पे अलग अलग प्रकार की रॉक्स बनी, ठीक है, तो जब अलग अलग प्रकार की रॉक्स बनी है उन्हीं की मदद से रिलीफ फीचर्स भी बने, ठीक है, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं, जरा देखिए एक छोटा सा आप समझ लीजिए, यंग फोल्ड माउंटेन, जैसे ये एक पेपर है, शीट ऑफ पेपर, बट अगर हम इसी जगह एक लैंड एरिया की बात करें और यहाँ से दोनों साइड से पुश अप हो, ठीक है, दोनों साइड से धक्का दिया जाए, तो ये नीच बीच का एरिया ये उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ठीक है, वैसे ही जब दोनों साइड से प्लेट्स एक तरफ से दोनों तरफ टकराएंगी तो जो एक एरिया है वो सडन अराइज होने लगेगा, ठीक है, तो वही क्या है, माउंटेन के रूप में शेप ले लेगा, यंग फोल्ड माउंटेन जो हम पढ़ते हैं, तो ये सब किस कारण से हो पा रहा है, ये जो प्लेट्स हैं प्रेजेंट, हमें मानते हैं जो हमारे जो अर्थ का जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर है, अर्थ क्रस्ट जो है वो किसके ऊपर सिचुएटेड, प्लेट्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स के ऊपर, कई सारी मेजर प्लेट्स हैं, कई सारी माइनर प्लेट्स हैं, उन्हीं के ऊपर तो सिचुएटेड हमारा अर्थ है, ठीक है, तो इन्हीं के जो मूवमेंट होता है इसके कारण कहीं ना कहीं कहीं जगहों पर माउंटेन्स बन जा रहे हैं, कई जगहों पे अगर गैप मिल जा रहा है दो प्लेट्स के बीच में तो वहाँ से वॉल्केनो, जो माउंटेन फॉर्म ऑफ रॉक जो अंदर प्रेजेंट है, नीचे अंदर जो रॉक माउंटेन फॉर्म में प्रेजेंट है वो इरप्ट होकर बाहर आ जाते हैं, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो सीधी सी बात जब वॉल्केनोज इरप्ट होंगे तो जो अंदर मेल्टेड फॉर्म में रॉक प्रेजेंट है जो बाहर आएगा तो अलग तरह का लैंडफॉर्म एक रिलीफ फीचर क्रिएट करेगा, क्लियर, तो उसी से आप अलग अलग तरह के मिनरल्स भी मिलते हैं आपको, गोल्ड है, इस तरह की चीज़ें उसमें मिलती हैं, क्लियर, जब आप उन्हें आप अलग करते हैं, समझ में आया आपको, तो कई सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कारण है जिसके कारण ये फीचर्स बन गए, कई चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि फीचर्स बने कैसे, ठीक है, चाहे वो प्लेटों का टकराना हो, प्लेटों का मूवमेंट होना हो, कई सारे प्लेटों का प्रेजेंट होना हो, ठीक है, कई सारे कारण, ठीक, एक सिंगल कोई रीज़न आप नहीं बता सकते हाँ इस रीज़न की वजह से सारी चीज़ें हुई हैं, धीरे 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 हमारे चेंजेस आते गए हैं, जिस हिसाब से चेंजेस धीरे धीरे आते गए हैं उसी कारण से हमें अलग अलग तरह के फीचर्स, हमें फिजिकल फीचर्स भारत में देखने को मिले, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग इरोजन डिपोजिशन हैज क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ इन प्रेजेंट फॉर्म। क्या है अब जरा दो तीन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे ये कि माउंटेन, माउंटेन नहीं बात करते हम, एक रॉक की बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट चाहिए, वेदरिंग की बात करने हम जा रहे हैं। वेदरिंग क्या है? जैसे कि हमारा एक रॉक है, एक रॉक पत्थर, ऐसे फ्लैट पत्थर तो कोई मिलता नहीं है, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का सा गैप पाया गया, हल्का सा गैप, ठीक है। बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, धीरे 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 वो गैप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक समय आएगा ये दो टुकड़ों में, ये दो हाल्स में ये पत्थर टूट जाएगा, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने क्या कहा कि सीधी सी बात है, ये जो रॉक्स प्रेजेंट है इनके अंदर अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होते होते क्या है, ये जो पत्थर है ये क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया वेदरिंग फॉर्म में, ठीक है। तो आप कई सारे ऐसे पहाड़ देखते होंगे, आपको एक फोटो भी दिया गया है आपके बुक में ही है, ठीक है, एक पहाड़ की एक फोटो दी गई है जो कि ऐसे ऐसे उसमें हल्का हल्का गैप प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे ऐसे हल्का गैप प्रेजेंट है, खोखला जिस कहते हो आप, खोखला है ऐसा पहाड़। वो कैसे हुआ? वो जो है क्लाइमेटिक कंडीशन से वो रिएक्ट करते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट उसके टूट टूट कर नीचे गिरते गए और उनमें गैप क्रिएट होता चला गया, तो ये एक वेदरिंग प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कहते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, डिपोजिशन। ये पोजिशन मीन्स क्या है? किसी जगह की बात की जा रही, मैंने कहा कि मैंने यहां पर पोजिशन ले ली, तो हम इस जगह की बात कर रहे हैं। डीपोजिशन मतलब जहां पे पोजीशन थी वहां से चीजें चेंज हो रही हैं किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। जैसे कि जैसे आप डेजर्ट एरियाज में देखें, बड़े बड़े सैंड ड्यून्स बनते हैं, ठीक है, रेत के बहुत बहुत बड़े पहाड़ बनते हैं, ठीक है। फिर जब आंधी तूफान चलती है तो वही रेत बहते हुए दूसरे जहां कलेक्ट करके दूसरा एक सैंड ड्यून बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सैंड ड्यून्स के हिसाब से अगर आप उस डेजर्ट के एरियाज में घूमना चाहें तो आप नहीं घूम सकते क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, पता चला आज सुबह यहाँ पे एक सैंड ड्यून बना था, कल अभी दोपहर तक आते आते दूसरी जगह हो गया, तो आप उसे एक आइडेंटिफिकेशन प्लेस नहीं मान सकते कि हाँ इससे आइडेंटिफाई कर लें कि आप यहीं से चले थे या कहीं से चले थे, ठीक है। तो रीजन क्या है? क्योंकि डिपोजिशन, इसकी पोजिशन ओरिजिनल पोजिशन तो ये थी ना, ये डिपोज हो गया, एक नया पोजिशन, एक नई शेप ले चुका है, क्लियर, ठीक है। जहां पे पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या हो गया? डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन क्या है? मींस सॉइल का मूवमेंट, जैसे पानी की वजह से, बारिश की वजह से, एक देखिए देखिए डिपोजिशन में बहुत बड़ी लेयर मूव कर रही है। इरोजन में क्या है? जैसे डिपोजिशन आप हिली एरियाज में देखिए, बारिश होती है एक बहुत बड़ा पहाड़ का हिस्सा नीचे आके गिर जाता है, और इरोजन में क्या है कि बारिश हो रही है तो हल्का हल्का लेयर, हल्का हल्का लेयर कटते हुए जाता जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है, एक साथ नहीं, ठीक है। तो एक इरोजन में टाइम टेकिंग है और डिपोजिशन में जल्दी होता है। जैसे कि आप हिली एरियाज में प्लांट कट डाउन करते चले जा रहे हैं, लगातार पेड़ काटते हुए चले जा रहे हैं, तो जो पकड़ है मिट्टी में पेड़ों की वो छूटती चली जा रही है, और बारिश होती तो वही मिट्टी जब ढीली पड़ जाती है तो नीचे आके प्लेन एरिया में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? वो पोजीशन चेंज हो रही ना, समझ में आया आपको? ये तीनों टर्म समझ में आए कि नहीं आए? चलिए बोलिए यस और नो। यस सर जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें तो हमने समझ ली, ये सब चीजें हो कैसे रही हैं ये भी जानना आवश्यक। जैसे कि थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक, क्या है? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने सुना है, अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, ठीक है, प्लेट्स टकराती हैं और क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। रिसेंटली आप लोग एक अर्थक्वेक को फेज आउट ही किए हो जो कि नेपाल में ओरिजिनेट हुआ था, काठमांडू में, और आप लोग इसी दुनिया में थे, ठीक है, क्लास नाइन्थ में हो, तो मींस आप लोगों ने देखा रहा होगा, और उसमें आपने देखा किस तरह से दिक्कतें आती हैं, किस तरह से बिल्डिंगें गिरती हैं,
न्यूज चैनल्स में देखा होगा, रात रात में सोने में लोग डरने लगे थे कि पता नहीं सो जाएंगे अचानक से अर्थक्वेक आ गया तो फिर घर गिर सकता है हमारे ऊपर, तो लोग डर गए थे, सहमे हुए थे। तो वो किस कारण से हुआ? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट कारण से हुआ। हल्का सा भी मूवमेंट है ऊपर ज़्यादा महसूस होगा ना, क्लियर? नीचे तो हल्का सा मूवमेंट है और ऊपर तक वो आते 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 वही वाइब्रेशन तेज हो जाता है, ज़्यादा महसूस होने लगता है, क्लियर? तो अर्थ साइंटिस्ट जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जो अर्थ के लिए विशेषज्ञ हैं, कुछ डाउट है? हाँ, विशेषज्ञ जो पढ़ते हैं, हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले, कुछ सबूत मिले जिसके बुनियाद पर, देखिए कोई ऐसा तो है नहीं कोई अर्थ क्रस्ट के अंदर गया है वहाँ पे प्लेट को देखा है और फिर उसका महसूस किया, नहीं, उन्हें कुछ एविडेंसेस मिले उसके बिहाफ पर उन्हें रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ प्रूफ्स रखे और बताया कि किन कारणों से जो ये हमारे यंग कोल माउंटेन चाहे बना हो, हिमालयन रेंजेस हो, चाहे जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है और वो कैसे बन के सामने आए हैं, तो वो किस थ्योरी से, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक से उनने बताया है, क्लियर? वन सच पॉसिबल थ्योरी, पॉसिबल थ्योरी, देखिए पॉसिबल थ्योरी कहा गया है, पॉसिबल थ्योरी मींस क्या? मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी। अब जब तक कोई इसको गलत प्रूफ नहीं करेगा तक ये है, जब कोई इसको, जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, कई सारे एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, कई लोगों ने बताया था कि वाटर जो है, वाटर, एयर और लाइट, या फिर कई चीज़ों को बताया था, पंच तत्व जो हैं वो क्या है, वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकते, लेकिन मोटर आपको बाद में पढ़ेगी, हाँ H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं, तो उनकी थ्योरी को गलत प्रूफ किया गया ना, तो जब तक इनकी थ्योरी गलत प्रूफ नहीं किया जाएगा तब तक यही मान्य है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कुछ प्रूफ के बेसिस पर, ऐसे नहीं कुछ प्रूफ बताया, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द क्रस्ट, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड इन द मेजर सम रीजंस ऑफ द माइनर प्लेट्स। क्या है, ऐसा माना गया, जैसे ये हम मान लीजिए एक अर्थ क्रस्ट मान लीजिए, ये हमारा जो पोर्शन है अर्थ का ऊपर का रीजन है, ये अर्थ क्रस्ट हो गया, उसके बाद बताया गया कई सारे जो है प्लेट्स जो है जिनका मिलकर फॉर्मेशन हुआ है किसका, अर्थ, क्लियर, कई सारे रीजन, और जो सब चीज जो जिसके ऊपर स्थिर है वो जो है एक प्लेट है जिसके ऊपर ये सारी चीजें स्थिर है, ठीक है। अब वो एक प्लेट नहीं है, अगर एक प्लेट होता जीवित बात है अर्थ मूवमेंट होता ही नहीं, ना कोई अर्थक्वेक आता, ना कोई फिजिकल फीचर बनता, सब प्लेन एरियाज होते हैं, क्योंकि अर्थ के प्लेट का मूवमेंट होने ही वाला नहीं जब सिंगल प्लेट है। तो वो कई सारे प्लेट्स में है, 7 मेजर प्लेट्स हैं और कई सारे माइनर प्लेट्स भी पाए जाते हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं और कई सारे माइनर प्लेट्स भी पाए जाते हैं, क्लियर। जैसे कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट में जैसे अफ्रीकन प्लेट है, आप मैप में उसे देखोगे, ठीक है, हम उसके नाम बता दे रहे हैं, बट प्लेट का क्या यूज है हमने आपको समझा दिया है। जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में गैप है, तभी तो यहाँ से कोई चीज निकल सकता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस यहाँ ज्यादा हो जाएंगे जहाँ पे प्लेट के बीच में गैप है, या फिर जहाँ पे दो प्लेट ज्वाइंट हो रही है, या फिर हम कहें पे जैसे कि जापान में ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्योंकि वो प्लेट जहाँ ज्वाइन करता है वहाँ पे वो सिचुएटेड है, ठीक है, तो ज़्यादा अर्थक्वेक उसे महसूस करने पड़ते हैं। सुनामी भी ज़्यादा आती है, क्यों? क्योंकि समुद्री एरिया में जब अर्थक्वेक आता है सीधी बात है पानी क्या होगा, जब बाल्टी में पानी भरा हुआ है, हल्का सा पुश करिए, धक्का दीजिए, वाइब्रेट करिए, तो पानी क्या होता है, लेयर्स उठती हैं उसकी, लहरें उठती हैं, और जब वही पूरा अर्थ ही लेगा तब क्या होगा, लहरें और ज़्यादा तेज उठेंगी, सुनामी आ जाएगी, या कई सारी चीज़ों दिक्कतों का सामना। तो ये क्या है, ये सब कारण, ये सब दिक्कतें कहाँ होती हैं, जहाँ पे दो प्लेट्स जुड़ रही, ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे होती हैं, क्लियर। अब ऐसा देखिए, आप काठमांडू में भी ओरिजिन हुआ था अर्थक्वेक, लेकिन असर भारत तक देखा गया था, रायबरेली तक देखा गया था, देखा था नहीं गया, ठीक है, चलिए। अब इसमें एक मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, यूरेशियन, यूरेशियन मीन्स क्या, यूरोप और एशिया, यूरेशिया पढ़ा था ना आपने उसमें हिस्ट्री में, यूरेशिया, तो यूरोप और एशिया, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन प्लेट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये कई सारी मेजर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट में अरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, नेस्को प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, और उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये कई सारी प्लेट्स जो हैं पाई जाती हैं।
ठीक है, प्लेट्स के बारे में आपने जान लिया। ठीक है, अब अलग अलग देखिए मूवमेंट के कारण, जैसे आपको हमने बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ में पहले एक समय था कि जो अर्थ था उसका मेजर जो लैंड मासेस थे एक ही जगह पाए जाते थे, ठीक है, बट वो ब्रेकडाउन कैसे हुए, अलग अलग सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड हुए, उसका कारण कौन बना, यही प्लेटें तो बनी। अब जैसे कि हमने बोला कि यंग फोल्ड माउंटेन क्यों बना आपका हिमालय, क्योंकि हमने अभी पेपर से दिखाया नहीं कि जब दो तरफ सरफेस एक तरफ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो जो एरिया है वो बाहर निकलेगा, तो जो बीच का एरिया बाहर निकला वो कौन सा माउंटेन रीजन में बदल गया, क्लियर। अब वही जब पास आने या दूर जाएंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, वैली फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, इज दैट क्लियर। तो जितने भी रिलीफ फीचर्स बने हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं मेजर रोल किसी ने अगर पार्टिसिपेट किया है, उनने किसने किया है, प्लेट्स, उन्हीं प्लेट्स के बारे में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा, हमने जाना प्लेट्स का मूवमेंट के कारण क्या क्या दिक्कतें होती हैं और अच्छे से जानते हैं अलग अलग मूवमेंट प्लेट्स के, और उनको नाम क्या दिया गया है, साइंटिफिक नेम क्या दिया गया है, या फिर हमें क्या बताया गया है उन नामों के बारे में, तो आइए उसे भी जान लेते हैं, क्लियर। फिर अब जब हम यहाँ मूवमेंट्स की बात करें, मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंट रॉक्स अबव द लीडिंग टू द फोल्डिंग एंड फैसिलिटी द वोल्केनिक इरप्शंस, क्या है, मैंने अभी आपको बताया जब प्लेट्स क्या है एक दूसरे से टकरा रही हैं, प्रेशर स्ट्रेस एग्जर्ट कर रही हैं, तो क्या है कोई नया माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर उनके बीच में गैप पाए जा रहे हैं तो सीधी बात वोल्केनो इरप्ट कर रहा है, ये कई सारी दिक्कतें देखी गई, ठीक है। अभी जो है प्लेट्स के टकराने को, अलग अलग टकराने को अलग अलग नाम दिया गया, पहला जो है मीन्स अगर ऐसे प्लेट टकरा रहे हैं तो ये इसे कहा गया कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, इसे क्या है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और जो पैरेलली मूव कर रहे हैं तब उसे कहा गया है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट जो जाके दो जो है कहा थे कन्वर्जेंट दो रास्ते कहीं जुड़ रहे हैं उस तरह, तो कन्वर्जेंट प्लेट्स का बाउंड्री है दो प्लेट आपस में एक दूसरे के खिलाफ टकरा रहे हैं, डाइवर्जेंट मीन्स यहाँ से रास्ता डाइवर्ट, उसे क्या बना डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मीन्स क्या है यहाँ पर दो प्लेट्स अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, और जो तीसरा है वो क्या है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहाँ पे पैरेलली प्लेट्स मूव कर रही हैं एक दूसरे से टकरा रही हैं ऊपर नीचे की तरफ साइड मूव कर रही हैं, क्लियर। तो अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में बात किया गया। अब ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है गोंडवाना लैंडफॉर्म, क्या है हमने बताया था पहले दो हिस्सों में पूरा एक जो लैंड एरियाज बड़ा सा लैंड एरियाज था सब जितना लैंड था एक ही सिचुएटेड था, फिर दो हिस्सों में विभाजित हुआ जिसमें सबसे पुराना है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड इट इज साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सब कॉन्टिनेंट पैंगुआ एंग्रा लैंड इन द नदर्न पार्ट्स, इसमें कौन कौन से एरियाज पाए जाते हैं साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका, ये सब रीजन गोंडवाना आइलैंड के थे और सबसे पुराना जो लैंड मासेस में गिनते सबसे एंशियंट लैंड मासेस में ये आते हैं, क्लियर। फिर जाके धीरे धीरे जब इनका बाइफोकेशन हुआ तो ये जो है जब मूवमेंट होती रही इनके प्लेट्स की तो फिर ये जो है कई सारे रीजन जो है ऊपर की साइड जो है मूव करके, जिसके कारण आपका जो इंडिया है इस साइड नदर्न प्लेन्स में पाया जाता है, क्लियर। अगर वो मूवमेंट ना होता तो हो सकता है हमारा इंडिया किस प्लेन किस साइड होता सदर्न प्लेन्स में, क्योंकि अंटार्कटिका किस साइड मूव कर गया अंटार्कटिका नीचे साइड मूव कर गया वहाँ पे फ्रीजिड जोन में चला गया फ्रोजन जोन में, क्लियर। तो ये सब मूवमेंट के कारण हुआ, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, कई सारे हिस्से हो गए और कई सारे कॉन्टिनेंट इन्हीं कारण बन गया, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट इसी गोंडवाना लैंड मासेस का है जो कि सबसे पुराना एंशियंट लैंड मास है, क्लियर। फिर द कन्वेंशनल करेंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस दस द लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटेड आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टूवर्ड नॉर्थ, क्या है जो ये मूवमेंट ऑफ प्लेट हुआ, ठीक है, और करंट्स मूव करते एयर मूव करते जिसके कारण क्या हुआ ये जो
प्लेट्स हैं, इनका मूवमेंट हुआ किस साइड पे, नदर्न साइड पे हुआ। इस कारण से देखिए अंटार्कटिका यहीं सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया इधर सिचुएटेड है और इंडिया इधर साइड आ गया। ये सभी पार्ट्स किसके हैं, ये अफ्रीका इस साइड आ गया। ये सभी पार्ट्स किससे हैं, ये सभी जो है पार्ट किसके हैं, गोंडवाना लैंड मासेस के हैं, जो कि सबसे पुराना एशियन लैंड मास कहलाता है। हो सकता है वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत हो, बट आप समझ गए होंगे क्या चीज़ हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। फिर ड्यू टू द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड द कोलिजन ऑफ द प्लेट्स विद द नंबर ऑफ लार्ज यूरो एशियन। जब ऊपर की तरफ जा रहा था, देखिए ये हमारा प्लेट इंडियन प्लेट ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट्स था, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए तब जाकर किसका फॉर्मेशन हुआ, यंग फोल्ड माउंटेन, इसका हिमालयास का। क्लियर। एक नया यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, रिलीफ फीचर का फॉर्मेशन हुआ, जो है आपका हिमालयास, जो कि कौन से, जो कि इधर साइड से एक प्लेट नॉर्दर्न साइड मीन ऊपर की साइड मूव करे थे, ऊपर साइड ऑलरेडी प्लेट्स अवेलेबल थी, उनके टकराने के कारण स्ट्रेस जब हुआ तो रिलीज कहाँ पे हुआ, एक यंग फोल्ड माउंटेन, जो कि हिमालयन माउंटेन इन्हें कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया? यस, इज दैट क्लियर? यस। फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब देख लीजिए आपका नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये चीजें जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये देखते हैं, आपको पता है कि हिमालयन रीजन्स ऊपर कश्मीर साइड जो पाए जाते हैं उसमें कई सारे ऐसे एरियाज जो पेरिनियल आइस रहता है, पेरिनियल आइस मीन्स क्या, सदाबहार वहाँ पे बर्फ जमी रहती है हमेशा। ठीक, कश्मीर साइड से बहुत सारे रीजन्स हैं हमेशा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से हमेशा वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो वहाँ से कई सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, जैसे गंगोत्री से गंगा जी कहा जाता है, नदी पूज्य नदी मानी जाती है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, वहीं से बहना शुरू करती है। तो जब वहाँ से ओरिजिनेट करती है तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग इसे आते हो भाई रोड में आप प्राइम मिनिस्टर हो गए हो कि रोड सारी खाली कर दी जाती है, वैसा तो है नहीं। वो जो नदियाँ आ रही हैं कहीं ना कहीं पहाड़ों से होते हुए, हिली रीजन से होते हुए बहते हुए आती हैं। तो जो इसमें पार्टिकल्स हैं जो कि इनको बीच में रोकते हैं, वो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसके वजह से नदी की धार की वजह से, नदी से जो बहता हुआ पानी है उसके कारण जो है जो पत्थर बीच में पड़ेंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। और जब वो देखिए जब वो नीचे प्लेन एरियाज में आते हैं, प्लेन एरियाज में आते हैं तो वो इक्वली बाइफोकेट हो जाते हैं, बट जाते हैं। आपको पता है जब मिट्टी में आप पानी और मिट्टी को मिला दें और थोड़ी देर के रख दें तो मिट्टी जो सेडिमेंट है वो नीचे बैठ जाता है ना, तो वैसे ही जो सेडिमेंट यहाँ पर टूट के नदियों के साथ मिले हुए हैं, जब प्लेन रीजन में जब नदी का बहाव कम होता है तो किनारों पर जाकर वो क्या है, वो सेडिमेंट जाके इकट्ठा हो जाते हैं। आप गंगा नदी नहाने गए होंगे तो आप वहाँ रेत देखते होंगे, क्या रेत वहाँ पे बनी हुई है, नहीं, वो सेडिमेंट है, धीरे धीरे नदी के बहाव से बहता हुआ वो वहीं पे किनारों पे स्टोर्ड होता चला गया, इकट्ठा होता चला गया। क्लियर। इसी के कारण जो है नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, प्लेन्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब कहीं कहीं पे यंग फर्टाइल सॉइल पाई जाती है और कहीं पर कहीं पे ओल्ड, क्योंकि जो ओल्ड फर्टाइल सॉइल जहाँ पाई जाती है, क्योंकि वो जो एरियाज हैं वो क्या है, आउट ऑफ द कवरेज है, आउट ऑफ कवरेज ऑफ रिवर, क्योंकि जिन एरियाज में फ्लड आने पर पानी भर जाता है वहाँ पे हर बार क्या है, सॉइल चेंज होती रहती है, नई सॉइल नई लेयर बैठती रहती है। और जहाँ पे आउट ऑफ कवरेज में जो ऊंचाइयों पर जो प्लेन एरियाज पाए जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे जो है ओल्ड सॉइल पाई जाती है, ओल्ड फर्टाइल सॉइल, जो धीरे धीरे जाके इनफर्टाइल भी होती रहती है। ये सारी चीज़ समझ में आ रही है आपको, प्लेन एरियाज कैसे बने, ये जो ये यंग और ओल्ड फर्टाइल सॉइल के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, बट अब आपको ये इसलिए बता रहे हैं जिससे आप समझ सको कि कैसे कोरिलेट कैसे करता है। कोई आप दो क्लासेस मैंने क्यों कहा कि 9th में अगर आप क्या कहते हैं बच्चों 80% से लेकर 90% आप अगर अचीव कर लेते हैं क्लास 10th के बोर्ड में, अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं 100% पोर्शन अगर वो होता तो फिर 10th का नाम क्यों पड़ता, ठीक है, लेकिन कोरिलेट करता है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। क्लियर, तो ये इसलिए हमने बताया कि भाई ये सब चीज़ें 8th में आपने पढ़ी हुई थी। क्लियर, यस।
तो जो हिमालयन रेंजेस के जो अपलिफ्ट एरियाज हैं, जो ऊपर के एरिया ऊंचे एरियाज हैं, उन्हीं से क्या है सेडिमेंट्स कटते हुए, रॉक्स के पीसेस कटते हुए, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टाइनी पीसेस कटते हुए जाके कहाँ पे आके मिल जाते हैं आपके प्लेन एरियाज में जाके वो सेडिमेंट कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं उन एरियाज की, उन रीजंस फर्टिलिटी बढ़ पाती है। इज दैट क्लियर? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए इसमें आप अगर जैसे नोट्स बनाना हो तो आप स्पीड स्लो करके नोट्स कर सकते हैं, हम रीड कर दे रहे हैं। हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द ट्रेथिस सीज एंड सब्सटेंस टू नदन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुला प्लेट ट्यू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिंस ड्यू टू द कोर्स ऑफ द टाइम एंड दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट बाय द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला प्लेट इन द साउथ अब फ्लैट लैंड एक्सटेंस एलुवियल डिपॉजिट्स यंग एलुवियल एंड ओल्ड एलुवियल सॉयल्स द फॉर्मेशन ऑफ नदन प्लेन्स इन इंडिया। मैंने जैसा बताया जब नदी ऊपर से बहती है तो उसमें क्या होता है बहाव तेज होता है। जब आपने देखा होगा जब ग्लास में पानी आपने तेजी से मिला दिया तो क्या उस समय जो सेडिमेंट है नीचे बैठ जाते हैं? नहीं बैठते हैं। तो जब ऊंचाई से नदी नीचे की तरफ बह रही है तो उसमें क्या है स्पीड है, तो जो सेडिमेंट है नीचे नहीं बैठेंगे। और जब वो प्लेन एरियाज में धीरे धीरे आना शुरू करेंगे, जब बराबर के एरियाज में आना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगी स्पीड धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो होगी, और जब स्पीड धीरे धीरे स्लो होगी तो जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठने लगेंगे, जिससे क्या यंग एलुवियल सॉइल की एक लेयर बैठ जाएगी जिसके कारण एक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ हम कह सकते हैं एक फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन हुआ जिससे हम वहाँ पे खेती भी कर पाते हैं। ठीक है, चलिए प्लेट्यूज की बात करें। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जूलॉजिकल पेनिनसुला प्लेट्यू कंस्टिट्यूट ऑफ वन ऑफ एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सर्फेस इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स द पेनिनसुला प्लेट्यू इज कंप्रेस्ड ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विच हैव द जेनेटिक हिल्स एंड वैलीज। क्या है कि देखिए आप जैसे हम बात करते हैं माउंटेन्स की, जो कश्मीर रीजन से लेकर के आप यहाँ पे चलते हैं अरुणाचल प्रदेश रीजन तक ये क्या है आपका माउंटेन्स मिलते हैं। अच्छा माउंटेन्स में और जो है प्लेट्यूज में डिफरेंस क्या है? माउंटेन्स में आपको क्या मिलते हैं पीक्स मिलते रहते हैं, ठीक है पीक वैली, लेकिन जो प्लेन वो जो प्लेट्यूज हैं वो क्या होते हैं प्लेन से अबव होते हैं और रॉक्स से उनका फॉर्मेशन होता है और इस तरह कुछ रहता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है बट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रहते प्लेन एरियाज की तरह ही है बट प्लेन एरियाज में क्या रहती है सॉइल रहती है फर्टाइल सॉइल रहती है, वो प्लेट्यूज में क्या रहते हैं आपके रॉक से बने हुए एक प्लेन एरिया रहता है फ्लैट एरिया रहता है और साथ ही साथ कहीं कहीं डीप वैलीज भी आपको मिलती हैं। क्लियर समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर? डीप वैली में और गहरी अब और गहरा करेंगे तो हमारे बोर्ड से बाहर हो जाएगा आउट ऑफ द बोर्ड हो जाएगा, ठीक है इसलिए हमने इतना ही गहरा किया है। फिर अब आपको पता है इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक हमेशा बनते रहते हैं, इग्नियस से फिर क्या है सेडिमेंट्री फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक फिर उसके बाद फिर इग्नियस, इस तरह से ये सर्कल हमेशा रोटेट करते रहते मूव करता रहता है। तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज होता है वो कैसे रॉक्स की मदद से होता है, ठीक है वहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट नहीं होते जो कि नदियों के द्वारा आते हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर, इसीलिए यहाँ पे जो नदियाँ पाई जाती है पेरिनियल पाई जाती है नॉन पेरिनियल पाई जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। आपको पता है रॉक्स ज़्यादा तेजी से पानी एब्जॉर्ब करेंगे, गर्मी ज़्यादा गर्म ज़्यादा होंगे और सीधी सी बात है पेर एरिया में धीरे धीरे पानी क्या कहेंगे होगा एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इस कारण से यहाँ पे नॉन पेरिनियल रिवर पाई जाती है और नॉन पेरिनियल रिवर कहीं किसी पहाड़ियों से ओरिजिनेट नहीं होती है, वो बारिश के कारण वो नदियाँ ओरिजिनेट करती हैं। क्लियर, इसीलिए नॉन पेरिनियल क्योंकि वो डिपेंडेंट किनके ऊपर है रेनफॉल के ऊपर, और जो पेरिनियल है वो डिपेंडेंट किनके ऊपर ग्लेशियर्स के ऊपर है और ग्लेशियर्स पेरिनियल है मीन्स हमेशा जमे रहते हैं, इसके लिए नदी भी पेरिनियल हो ही जाती है। क्लियर समझ में आ गया? फिर अब आगे बात करें मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग। अब क्या है जो मेन फिजिकल फीचर्स हैं उसको हम कई ग्रुप्स में विभाजित कर सकते हैं, जैसे क्या है हिमालयन माउंटेन्स,
अभी आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सेगमेंट्स के बारे में, दैट्स इट। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट है हमारा, हम फिर नदन प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुला प्लेट्स के बारे, प्लेट्यूज के बारे में, फिर इंडियन डेजर्ट्स के बारे में, वेस्टर्न प्लेन्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, इनके हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक हमने कहा एक सेगमेंट कल भी रहेगा वो, उसमें हम इन सभी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे। आज जो हम मेनली क्या पढ़ेंगे, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स, आइए हिमालयन माउंटेन्स को देखते हैं। हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ लगभग क्या कहते हैं, 2400 किलोमीटर। लेंथ मींस क्या है, कितनी लंबाई कवर अप करते हैं, लगभग 2400 किलोमीटर। ये इंडिया का मैप बड़ा छोटा दिख रहा है, बट इतना छोटा तो है नहीं इंडिया सिचुएटेड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन कितना कवर अप करते हैं, 2400 किलोमीटर कवर अप करते हैं। क्लियर, समझ आया? क्यों ये कहा जाता है, ईस्ट से वेस्ट तक ये कवर अप करते हैं, वेस्ट से ईस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक ये कवर अप करते हैं। क्लियर, फिर विड्थ क्या है, विड्थ जो है 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई पाई जाती है इन पहाड़ियों की। 400 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया से लेकर 150 किलोमीटर तक ये सिमटे रहते हैं, इतना एरिया ये कवर अप करते हैं। हम सुनते हैं यंग फोल माउंटेन हिमालय, ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। कुल्लू मनाली देहरादून, ठीक है, कई जगहों पे आप जाते हो ना, क्यों जाते हो घूमने, क्योंकि वहाँ का मौसम टेम्परेचर गर्मियों के दौरान डिफरेंट रहता है, अलग रहता है, ठंडा मौसम रहता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ के पहाड़ियाँ देख देख कर आप क्या है, बहुत ही खुशनुमा महसूस करते हैं। एक बहुत ये फीचर ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमें अर्निंग भी करके दे रहा है, पैसे भी हम कमाते हैं। यहाँ पे जो लोग होटल खोल के रखे हुए हैं, जिनके घर हैं रेंट पर देते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। जो होटल खोल के खाने पीने का व्यवस्था करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जो टूरिस्टर हैं, जो कि अलग अलग देश से आए हुए लोगों को वहाँ की चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उनके एरियाज़ के बारे में बताते हैं, उनको पैसा मिलता है। तो इकोनॉमिकली भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद, ठीक है, फाइनेंशियल मदद भी हमें करता है, समझ आया, फिजिकल फीचर्स हो गए। फिर अब इनके तीन पार्ट हैं, एक है हिमद्री, जिसको इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय, जिसे हार्ट ऑफ हिमालय कहते हैं, ठीक है, जो कि सब मेन पार्ट्स हैं हिमालय, ज़्यादातर माउंटेन्स वहीं पाए जाते हैं, हाईएस्ट पीक माउंटेन का वहीं पाया जाता है। दूसरा है क्या है, दूसरा है हिमांचल, जिसमें हिमांचल प्रदेश आपने सुना है, एक नाम ही पूरा पड़ा है, हिमांचल एरियाज या फिर हम कहें लेसर हिमालयाज, वहाँ पे अलग अलग माउंटेन्स। तीन रीजन में, तीसरा रीजन है शिवालिक रीजन, जिसे हम लेटर हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है, लेस हेलो। फिर अब हम हिमाद्री और या फिर ग्रेटर हिमालयाज के बारे में बात करें, इट इज मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंजेस, लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद द एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, लगभग एवरेज हाइट यहाँ पे माउंटेन्स की 6000 मीटर रहती। लॉफ्टीएस्ट शब्द एक जोड़ा गया है, याद हो आपने अगर कभी क्रिकेट का गेम खेला होगा, एक शब्द, एक कभी भी क्रिकेट का गेम खेला होगा, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि जाके अभी सब जाके गूगल सर्च करके डाउनलोड करो, वहाँ पे एक शब्द लिखा रहता है लॉफ्ट, मीन्स क्या है, उठाकर शॉट मार। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन में इसका सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स यही पाए जाते हैं, इसमें हिमाद्री या फिर इमर और फिर ग्रेट हिमालयास में, इसीलिए इसे हार्ट ऑफ हिमालयास कहा गया, क्योंकि ज़्यादातर रीजन जो मेन माउंटेन्स हैं वहीं पे सिचुएटेड। क्लियर, फिर द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है, कि एसिमेट्रिकल इन नेचर। भाई अगर पहाड़ है तो वैली भी तो होगी, वही का जो एरिया हो जाए उसके सर्डन अराइज हुआ है, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है, ये फॉर्मेशन इन माउंटेन्स का वॉल्केनो के इरप्शन से नहीं हुआ है, ठीक है, समझ में आया, इज दैट क्लियर। फिर अब बात करते हैं, इट इज़ बेनिफिशियरी बाउंडेड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। अब कई सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि हमेशा पेरिनियल, हमेशा उसमें बर्फ रहती है, बर्फ होने के कारण हमेशा नदियों से पानी बहता है, जिसके कारण नदन प्लेन्स में पानी पहुंच पाता है, जिसके कारण कई सारे एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटी होना पॉसिबल हो पाता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर हमने बोला इधर चाइना साइड से अटैक भी, और चाइना साइड से सेंट्रल एशिया से आए हुए विंड्स को भी, दोनों को रोकने का काम कौन करता है, आपका ये यंग फोल्ड माउंटेन आपका हिमालयास करता है, ठीक है। दुश्मन देश की जो बुरी निगाहें हमारे देश पर रहती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और दूसरा जो है हमारा यहाँ से वो जो भेजता रहता है, हवाएं भेजता रहता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसे क्या है, यहाँ पे कहीं पर जाके नदी मिलती है यमुना नदी,
अब यहाँ पे जानबूझ कर उसने क्या कर दिया, अपने अपने ही रीजन में, हमारे रीजन में नहीं, एक डैम बना दिया। ठीक है, अब डैम बनाने से क्या होगा, देखिए कितने कितने बुरे विचारधारा के लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डैम बनाए हैं, बहुत बड़ा डैम बनाए हैं कि इससे यहाँ पे पानी रोक करके यहाँ से जो वाटर वो है, वाटर का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर। ठीक है, चलिए भाई उनका देश है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोच लीजिए, डैम यहीं पे बना हुआ है, जिस समय पर डैम ओवरफ्लो हुआ और यहाँ से पानी छोड़ा गया, वो सबसे ज़्यादा किसको तबाह करेगा, भारत। सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आएगी, भारत। समझ में, तो अब आप इसका नेचर समझ सकते हो किस तरह का व्यक्ति है, जब बगल के हमारे जो पड़ोसी देश तिब्बत को खा गया, ये कुछ भी कर सकता है। मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसमें आप बहुत सारी गालियाँ आप समझ सकते हैं। चलिए, फिर द कोर पार्ट ऑफ द हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ गैंगटिक प्लेन्स, हिमाद्री, क्या है आपको पता है गैंगटिक प्लेन यहीं पर, यहीं पे जो है ग्लेशियर से नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, इसीलिए हार्टलैंड, इसे हार्टलैंड कहा गया वहाँ पे माउंटेन्स को, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर रीजन जो मेन पार्ट से इसी में सिचुएटेड है, कहाँ पर, हिमाद्री में, या फिर हम कहें इनर और ग्रेटर हिमालय। क्लियर, द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द रस्ट माउंटेन्स इज नोन एज हिमांचल और लेसन हिमालय। और जो दूसरे साइड जो है, किस साइड पे हम बात करते हैं, सदर्न साइड में बात करते हैं हिमाद्री के, वो कौन सिचुएटेड है, हिमाचल सिचुएटेड है, जहाँ पर पीक माउंटेन मीन्स जो ऊंचाई है माउंटेन की लेस रहती, कम रहती, इसलिए लेसन हिमालय जिसे कहा गया, इसके कंपेरिजन में, हिमाद्री के कंपेरिजन में। क्लियर, फिर द रेंजेस आर मेनली कंपोज एंड कंप्रेस्ड एंड अलेग्ड रॉक्स, वाइल द पिन पंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट पोस्ट इम्पोज रेंज एंड धौला। यहाँ पे मतलब कई सारे रेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो रेंजेस है लेसर है, कम है, किसके कंपैरिजन में, आपके हिमाद्री के कंपैरिजन में, हिमाद्री एरियाज की कंपैरिजन बात करें, छोटे रेंजेस हैं। क्लियर, अब फिर क्या है कि ओके, फिर यहीं पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो हाइट अप टू कितने तक रहता है, हाउ हाइट रहती है, लगभग 4500 मीटर तक एवरेज हाइट रहती है, और लगभग 50 किलोमीटर तक यहाँ पे विड्थ रहती, चौड़ाई रहती, फिर एरिया कवर अप करते हैं। अब आउटर हिमालय शिवालिक की बात करें तो वहाँ पे चौड़ाई कितनी रहती है, विड्थ रहती है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक, ठीक है, और अल्टीट्यूड जो है कम से कम 900 से लेके 1100 मीटर तक रहते हैं। अच्छा ठीक है, जो माउंटेन से लेसर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्यून्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें पीक नहीं रहता है, ड्यून्स, ठीक है, उसी का ही नाम पर एक शहर का नाम है देहरादून, देहरादून, ठीक है, देहरादून कैसे नाम पड़ा, ये जो, क्योंकि ये लेसर हिमालयाज हैं, वो उनकी हाइट जो है बाकी दो रीजन के कंपैरिजन बहुत कम रहती है, इसलिए उन्हें कई सारे माउंटेन्स के यहाँ उन्हें ड्यून्स कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो एक शहर सिचुएटेड से क्या कहा गया, देहरादून कहा गया, ठीक है, और इसी कारण वहाँ पे आप कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं, आप सीधी सी बात जानते हैं, और लोग तरह तरह के ट्रिप्स बना करके लोग घूमने जाते हैं, तो एक तरह से फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल है हमारा ये जो है माउंटेन्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, जो समझ गए हम माउंटेन्स के बारे में, जो नेक्स्ट जो है आगे की चीज़ें, आगे जो प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट्यूज़ के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, वो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेगमेंट में मिस कल आप लोगों को मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ इसको जाके रीड करिएगा, और जो डाउट्स हों आप लोग पूछिएगा, ठीक है, आप लोग को डाउट पूछना हो तो आपके पास जो व्हाट्सएप के सारी डिटेल्स आप जाके अबाउट में देख सकते हैं YouTube चैनल पर, और बाकी आप लोग तो यहाँ पे आते ही हैं, आप लोग से क्या दिक्कत है, ठीक है, आप लोग डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं, और कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।